बैक टू द चैनल। माय नेम इज आयुषी एंड आज हम इस वीडियो में कोई भी ज्ञान की बात नहीं करने वाले हैं, कुछ भी नया मैथ्स या कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलेटेड नहीं जानने वाले हैं, बल्कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैंने कुछ रिसेंटली कुछ परचेजेस करी हैं, कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस खरीदे हैं मेनली इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो उसके बारे में देखेंगे एंड ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है एंड एक दिन से मैं उनको यूज़ भी कर रही हूँ ताकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ज़्यादा कुछ महंगी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, बट लेट्स सी कि क्या है और क्या खरीदा है और किस तरीके से हम अपनी क्वालिटी की वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बाय द वे, अगर इस वीडियो में आपको क्वालिटी बेटर लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वो कुछ बेसिक चीज़ें प्लीज़ कर दो यार अपने आप ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जो भी होता है सब कुछ कर देना। एंड नाउ लेट्स, सो पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर ली है वो है टड़ा, ये दैट इज़ एक एंड्रॉयड फ़ोन, बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन विच इज़ रियलमी 8 एंड इसमें मैंने लिया है साइबर ब्लैक कवर। और इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊँ तो 128 GB स्टोरेज है एंड आपकी 8 GB यहाँ पर रैम है। ऑल्सो कैमरा अच्छा है, बाय द वे कैमरा आपको पता चल रहा होगा इस वीडियो की क्वालिटी से क्योंकि मैं इसी फ़ोन से ये वाली वीडियो शूट कर रही हूँ। सो अगर अच्छा लगे तो बता देना। आई थिंक इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, ये फ्रंट कैमरा है जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ एंड इट दिस इज 16 MP एंड बैक तो ऑब्वियसली बेटर ही है। और इसका प्राइस अराउंड 17,000 अगर आप अमेजोन पे जाके चेकआउट करोगे, बट फ्लिपकार्ट थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर एंड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप नीचे लिंक पे जाके देख लेना एंड फिर आपको पता है आपको क्या करना है। ओके, नाउ जस्ट टू शो यू इसका बैक कैमरा, तो इसके बैक कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी है एंड क्योंकि मेरे पास अभी यही फ़ोन है शूट करने के लिए सो इस फ़ोन को कभी और दिखाएंगे। बाकी देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या है। बॉक्स में एज सच कुछ है नहीं, बेसिक है एंड आई नो काफ़ी ज़्यादा अजीब है ये, हाँ बट आई एम डेफिनेटली लविंग इट्स चार्जर। ये बहुत ही क्यूट चार्जर है, सो ये चार्जर है एंड और कुछ नहीं है। बाकी फ़ोन का हम कभी और देखेंगे, अभी यही वाला फ़ोन है इसी से शूट कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। तो जो नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पर ली है वो है ये, यानी कि एक पेन टैबलेट। तो बेसिकली ये एक KSU का ग्राफिक टैबलेट है और ये कंपैटिबल है आपके विंडोज़ मैक और एंड्रॉयड के साथ। और इसमें आपको एक चार्जेबल पेन मिलता है एंड उसके साथ 3 refills भी मिलती है। आई नो थोड़ा अजीब सा इन्फॉर्मेशन है ये, बट हाँ इसके लिए आपको बस यूज़ करने के लिए एक ड्राइवर इंस्टॉल करना है और कनेक्ट करके आप यू आर गुड टू गो। ऑल्सो ये मैंने सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट मार्केट में मिल सकता है ना वो वाला लिया है एंड ये काफ़ी अच्छा भी है। आई मीन वो बेस्ट प्रोडक्ट काइंड ऑफ नहीं होता, बहुत चीप भी है और बहुत अच्छा भी है वो वाला सीन है। सो इसका प्राइस है 3,000 का ये है और ये अमेजोन से आप ले सकते हैं, वहाँ पर है और दैट्स इट। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक चेकआउट कर सकते हो और सीधा आप डायरेक्ट हो जाएंगे उसी की तरफ। ऑल्सो इसका जो साइज़ है दैट इज़ अराउंड 8.3 x 5.5 inches, सो आई थिंक काफ़ी सही है एंड ये साइज़ बहुत सही है। सो ज़्यादा लोग वाईकॉम का ही पेन टैब यूज़ करते हैं बट उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। सो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली या थोड़े चीप में कुछ चाहिए सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी, सो ये है आपका ग्राफिक टैबलेट KSU का एंड इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो ये आपकी कनेक्टिंग केबल है नॉर्मली, जिसको इससे आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने टैबलेट को। सो ये नॉर्मल कनेक्टिंग वायर है। उसके साथ मिलती है ये मैनुअल जो कि बहुत हेल्पफुल है मुझ जैसे नूब लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज कि हमने कभी पहले टैबलेट ग्राफिक टैबलेट यूज़ नहीं करा होता है और इसको पढ़ पढ़ के लिटरली आप सब समझ सकते हो और आप आराम से इंस्टॉल भी कर लोगे। इसके लिए एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके ना इंस्ट्रक्शंस पूरे मैनुअल में दिए होते हैं और उसको पढ़ के आप इजीली ड्राइवर इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हो। ये हमारा फेवरेट बबल रैप है जिसके साथ मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खेल चुकी हूँ एंड नाउ लेट्स सी आवर पेन टैबलेट। ओके, दिस इज़ अ टफ टास्क रियली। ओके, सो ये हमारा पेन टैब है और ये उसका पेन है एंड आई थिंक ये काफ़ी बड़ा है, 8.3 x 5.5 inches है एंड ये बहुत ज़्यादा ही है इनफैक्ट। अब इस पेन टैब को यूज़ कैसे करते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो। ये बेसिकली बटन्स होते हैं जो आपको सेट करने होते हैं, इस पेन के अंदर भी 2 buttons होते हैं ये आपको सेट करने होते हैं और बस आप यू गुड टू गो। इसके पीछे आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर, बट आई नो काफ़ी ज़्यादा अजीब इन्फॉर्मेशन थी।
अब देख लेते हैं इसकी कुछ पिंस जो आई हैं इसके साथ, तो आपको 3 पिंस मिली है, इनको आप चेंज कर सकते हो इस रिंग के हेल्प से। सो ये है हमारा ग्राफिक टैबलेट एंड अराउंड 3000 है, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ये एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो मूविंग ऑन, जो मेरी थर्ड परचेज है जो मैंने करी है वो है ये, यानी कि एक ट्राईपॉड। सो ये बेसिकली आपका साइवो का 3110 पोर्टेबल डिजिटल कैमरा मोबाइल स्टैंड है एंड ये भी काफ़ी सस्ता है, इसका प्राइस मैं भी बताती हूँ। ऑल्सो मैंने जितनी भी चीज़ें पिकअप करी हैं वो सारी काफ़ी बजट फ्रेंडली है, सस्ती है एंड साथ साथ में उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो एक कम से कम बजट में जो बेस्ट चीज़ कर सकते हैं ऑर्डर, मैंने लिटरली वही ढूंढी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करी है। ओके सो ये हमारा अराउंड 700 का पड़ा है मुझे एंड ये अभी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है बट फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बट इसका ही एक और वर्जन मैंने ढूंढा है अमेजोन पे, वो भी अराउंड सेम प्राइस ही है बिल्कुल एंड वो इक्वली अच्छा है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये 10x8x6 सेंटीमीटर्स का है। सो ये हमारा ट्राईपॉड है एंड लेट्स ट्राई टू ओपन दिस एंड बाय द वे आपको अभी तक पता चल चुका होगा क्योंकि मैंने ट्राईपॉड अभी ही लिया है, दैट बेसिकली मीन्स कि अभी तक मैं जो भी वीडियोस बनाती थी वो विदाउट अ ट्राईपॉड होती थी। ओके सो ये बॉक्स पे आप इसका एग्जैक्ट नाम देख सकते हो, ये जो 3110 आए गैस की इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता ही होगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना आइडिया तो है नहीं। एंड सो दिस इज द ट्राईपॉड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बाकी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और ये हो जाता है काफ़ी नीचे तक, अभी नहीं दिखा सकती, सो सॉरी। एंड ये इसका माउंट है। सो दैट्स इट अबाउट द ट्राईपॉड। आई होप कि मैं इस ट्राईपॉड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ और थोड़ा बाहर जाके भी वीडियोज़ अगर मुझे बनानी हो तो बनाऊँ। बाकी जहाँ तक बात है घर के शूट की, तो फिर अभी वाला सेटअप जो है वो मेरा आई थिंक काफ़ी अच्छा है एंड किसी और वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं अपनी स्टार्टिंग में इनिशियली वीडियोस कौन से सेटअप से शूट करती थी, बट इसके बाद आई होप कि ऐसी कैमरा क्वालिटी आए। इनफैक्ट अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ तो बैक कैमरा वाली जो अच्छी क्वालिटी है वो आए, और उसके साथ साथ मैं इस ट्राईपॉड का यूज़ करने वाली हूँ एंड ट्राईपॉड के साथ साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ओके हाँ, तो ट्राईपॉड के साथ साथ हम यूज़ करने वाले हैं उस पेन टैबलेट का कुछ ऐसे बेसिक चीज़ों को सिखाने के लिए जो मुझे लिटरली बोलकर बहुत टाइम लग जाता है बताने में एंड उसके बाद उसकी एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। सो आई होप कि मुझे वो पेन टैब वहाँ पर काम आए। बाकी कोई भी वीडियो सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट्स में बता देना एंड ये देखो बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस प्रॉपरली। सो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। कोई भी इनमें से प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोज़। बाय।